सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। आपको इस वीडियो में हम टीचर रिक्रूटमेंट की न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स आपकी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। 5 गवर्नमेंट स्कूल में ये वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी और सैलरी यहाँ पर जो मानदेय रखा गया है 38,000 पर मंथ की ये सैलरी रखी गई है। 170 पोस्ट रहेंगी और अप्लाई करने का मोड फ्रेंड्स ऑनलाइन रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी, क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिएगी और कब तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, हमने वेबसाइट को यहां पर ओपन किया हुआ है। वेबसाइट इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं, बालोदा बाजार भाटा पारा की ये वैकेंसीज है, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इन तीनों ही पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा नोटिस वाले इस सेक्शन में आपको जाना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। रिक्रूटमेंट में अगर हम देखते हैं तो फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट के इस सेक्शन में आप देखिएगा पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट इन द न्यू स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम है ये और 5 डेवलपमेंट ब्लॉक्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 ब्लॉक्स में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। 5 जो सरकारी गवर्नमेंट के स्कूल है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन मोड से आप लोगों को इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेते हैं ताकि सारी डिटेल को हम कवर कर सकें। देखिए वैकेंसीज की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 24 मई 2021 से इन एप्लीकेशन के फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और एंड डेट आपकी रहेगी 5 जून 2021। तो आइए फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम एक बार यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें क्या कुछ डिटेल दे दी गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा विज्ञापन, आप देख सकते हैं बलौदा बाजार भाटापारा जिले के 5 विकास खंडों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, अंग्रेजी मीडियम स्कूल है ये, इसके लिए गठित संचालन समिति के द्वारा निम्न अनुसार अस्थायी रूप से संविदा शिक्षकों के लिए यहाँ पर योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस वेबसाइट के जरिए ही यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। तो आप अगर इनको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करते हैं तो ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। फ्रेंड्स देखिएगा वेबसाइट आपकी है DEOBALODABAZAR.com, ये आपकी यहाँ पर वेबसाइट रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम डेट है आपकी, वो लास्ट डेट आपकी 5/6/2021 रात्रि 11:59 तक का आपका ये टाइम दे दिया गया है। विज्ञप्ति पदों का विवरण फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, पद का नाम आपका इस कॉलम में दे दिया गया है, विषय और मीडियम यहाँ रहेगा। तो कैटेगरी वाइज जो आपका पदों का डिवाइडेशन किया गया फ्रेंड्स वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली कॉलम में। जो अनारक्षित है जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज रहेंगी, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, और जो टोटल आपकी वैकेंसीज है उनको आप कुल पद आप इस कॉलम में देख सकते हैं और आपकी जो मानदेय राशि रहेगी इस कॉलम में आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग वो बता दी गई है। तो फ्रेंड्स विषय देख लीजिएगा, हिंदी के लिए यहाँ पर जनरल 5 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 2 हैं, टोटल पोस्ट आपकी यहां पर 10 रहेंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से पोस्ट के अकॉर्डिंग आप इनको चेक कर लीजिएगा। और अंग्रेजी माध्यम से आपकी यहां पर टोटल 10 पोस्ट हैं, संस्कृत की 5 वैकेंसीज हैं, गणित हिंदी मीडियम से 5 वैकेंसीज हैं, गणित अंग्रेजी माध्यम से ये भी आपकी 5 वैकेंसीज हैं और भौतिक अंग्रेजी माध्यम से 5 वैकेंसीज हैं, जीव विज्ञान हिंदी माध्यम से 5 वैकेंसीज हैं और ये जीव विज्ञान अंग्रेजी मीडियम से आपकी 5 वैकेंसीज हैं, रसायन अंग्रेजी माध्यम से 5 वैकेंसीज हैं, वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम से 10 वैकेंसीज हैं और सामाजिक विज्ञान कला अंग्रेजी माध्यम से ये 5 वैकेंसीज हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज दे दी गई हैं और इन सब का जो टोटल मानदेय राशि है वो आपकी 38,100 रुपए रहेंगे। न्यूनतम योग्यता आप देख लीजिएगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपने यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि और प्लस आपने बीएड की हो, ये आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। इसका बीएड का प्रशिक्षण आपका अनिवार्य है व्याख्याता की पोस्ट के लिए। और नेक्स्ट जो वैकेंसीज है फ्रेंड्स, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है इस पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसीज ये 5 रहेंगी, 38,100 रुपए का यहाँ पर मानदेय रहेगा। और जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ पीजी की उपाधि आपने की हो और प्लस आपने बीएड भी किया हो। थर्ड नंबर पर फ्रेंड्स देखिए, ये शिक्षक की पोस्ट रहेगी, एजुकेटर की से आप कह सकते हैं, अंग्रेजी विषय है ये, अंग्रेजी माध्यम से इसकी 5 वैकेंसीज रहेंगी। गणित अंग्रेजी माध्यम से इसकी भी 5 वैकेंसीज दी गई हैं फ्रेंड्स। और विज्ञान अंग्रेजी माध्यम से इसकी भी 5 वैकेंसीज हैं। विज्ञान हिंदी माध्यम से इसकी भी 5 वैकेंसीज हैं। सामाजिक अध्ययन कला अंग्रेजी माध्यम टोटल वैकेंसीज 5 रहेंगी। सामाजिक अध्ययन कला हिंदी माध्यम टोटल वैकेंसीज 5 रहेंगी। और इनका जो टोटल आपको मानदेय प्रति माह दिया जाएगा 35,400 रुपए ये दे रहेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी, इसमें आपने स्नातकोत्तर यानी आपकी पीजी डिग्री की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपने बीए किया है, ग्रेजुएशन की है, तो स्नातक की उपाधि आपके 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और बीएड या फिर डीएड या फिर डीएलएड या शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आपका उत्तीर्ण होना यहाँ पर अनिवार्य है। और नेक्स्ट वैकेंसीज है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, तो फ्रेंड्स इसके लिए संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। टोटल वैकेंसीज 5 रहेंगी, 35,400 का यहाँ पर मानदेय रहेगा आपका। और इसमें जो न्यूनतम योग्यता है आपकी, संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि आपने की हो, प्लस आपने बीएड किया हो या फिर डीएड हो या डीएलएड हो, इनका प्रशिक्षण आपका होना जरूरी है और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है फ्रेंड्स, सहायक शिक्षक की वैकेंसीज हैं। अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी की पोस्ट है, 5 वैकेंसीज रहेंगी। क्लास समूह अंग्रेजी माध्यम से 10 वैकेंसीज हैं। विज्ञान समूह अंग्रेजी माध्यम से यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज फ्रेंड्स आप अपनी देख लीजिएगा। और जो टोटल पे आपको किया जाएगा यहाँ पर 25,300 रुपए का आपका मानदेय रहेगा प्रति माह। और यहाँ जो क्वालिफिकेशन है आपकी, न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ आपने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हो, प्लस आपने डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण किया हो और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होना आपका अनिवार्य है। ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है फ्रेंड्स, कंप्यूटर शिक्षक की ये वैकेंसीज है। अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज 5 रहेंगी, 35,400 रुपए का आपका प्रति माह मानदेय रहेगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने बीई किया हो या बीटेक किया हो कंप्यूटर विज्ञान में, या फिर आईटी की उपाधि हो आपके पास, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी कंप्यूटर विज्ञान में आपने की हो, या फिर एमएससी आईटी या एमसीए उपाधि आपके लिए अनिवार्य रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यायाम शिक्षक की रहेगी। अंग्रेजी माध्यम को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज 5 रहेंगी, 35,400 का आपका प्रति माह का मानदेय रहेगा। और यहाँ जो क्वालिफिकेशन है, 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में और प्लस आपने बीपीएड का कोर्स किया हो। नेक्स्ट वैकेंसीज है फ्रेंड्स, प्रयोगशाला सहायक की। अंग्रेजी माध्यम को यहाँ पर वेटेज दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज है 15 और 25,300 की यहाँ पर सैलरी आपकी पर मंथ रहेगी। यहाँ जो क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ जीव विज्ञान या फिर गणित विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है फ्रेंड्स, ग्रंथपाल की वैकेंसीज है। अंग्रेजी माध्यम को यहाँ भी प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम ही स्कूल है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको वेटेज दी जाएगी।
और टोटल वैकेंसी जी 5 रहेंगी, 22,400 का पर मंथ आपको मानदेय दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की हो और पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास हो। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है, सहायक ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, अंग्रेजी माध्यम को यहाँ भी प्रेफरेंस दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज 5 है, 25,300 का यहाँ पर मानदेय रहेगा प्रति माह। और क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स, मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो और किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण या फिर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री आपके पास हो। डिप्लोमा या डाटा एंट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपकी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, सहायक ग्रेड 3 ये वैकेंसीज है, अंग्रेजी माध्यम को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। टोटल वैकेंसी 5 है, 19,500 का आपका यहाँ पर मंथ सैलरी रहेगी। और यहाँ जो क्वालिफिकेशन है, आपने किसी मान्यता प्राप्त हायर मंडल सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण या फिर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा और डाटा एंट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपकी स्पीड ये होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर से संबंधित कुछ डायरेक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ये जो संविदा है आपकी 1 वर्ष के लिए की जाएगी और संविदा के लिए आपके 1 मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेंट की जो एज है वो 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की पुष्टि के लिए 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया होना जरूरी है, ठीक है, मैंडेटरी चीज है ये आपकी। ओके फ्रेंड्स, बाकी डिटेल्स को आप चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट आपको यहाँ पर ये मेंशन कर दी गई है। वेबसाइट पर आप विजिट करके सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आपको यहाँ पर सब डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट ठीक से वर्क नहीं कर रही होती है। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए जैसे ही आपको नोटिफिकेशन का पता चलता है आप 1-2 दिन में तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी, हमने RK लर्निंग अकेडमी का ऑफिशियल फेसबुक पेज ये क्रिएट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज देखेंगे, जैसे कि आपके कोर्सेज हैं TGT का, PRT का या PGT का, आपके टीचिंग के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी उस सब को भी आप देख पाएंगे। वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी ऑल ओवर इंडिया से सबसे पहले आपको यहाँ इस ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट हैं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर उनको डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके डाउट के लिए अलग से सेक्शन रखा गया है, आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपके एग्जाम नजदीक आएंगे तो आपको टेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप लोगों के लाइव टेस्ट यहाँ रखे जाएंगे। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ऑफिशियल PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।